वहाँ पे आपको मिलेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि लखनऊ के एक टॉप स्कूल में दोस्तों दिल्ली पब्लिक स्कूल की गिनती होती है। उस स्कूल से मात्र 100 मीटर पब्लिक, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बैक साइड में मात्र 100 मीटर की दूरी पे हम आपको दोस्तों एक काफ़ी लग्जरी और काफ़ी अच्छा मकान दोस्तों दिखाने के लिए आए हैं, जो कि कॉर्नर का मकान है, 3 BHK मकान है दोस्तों। वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि लोकेशन बहुत प्राइम है और मकान भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ऐसी मकान की डिमांड आप लोग करते रहते हैं, इसलिए हम। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हसन। दोस्तों आज हम आ चुके हैं लखनऊ की सबसे प्राइम और सबसे अच्छी लोकेशन, दोस्तों आप जो है इसको कह सकते हैं दोस्तों जानकीपुरम के नाम से। दोस्तों आप लोग इस एरिया को जानते हैं, यहाँ पे दोस्तों है बहुत फेमस चौराहा, जिसको आप लोग कहते हैं भवानी चौराहा। दोस्तों वहाँ पे आपको मिलेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि लखनऊ के एक टॉप स्कूल में दोस्तों दिल्ली पब्लिक स्कूल की गिनती होती है। उस स्कूल से मात्र 100 मीटर पब्लिक, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बैक साइड में मात्र 100 मीटर की दूरी पे हम आपको दोस्तों एक काफ़ी लग्जरी और काफ़ी अच्छा मकान दोस्तों दिखाने के लिए आए हैं, जो कि कॉर्नर का मकान है, 3 BHK मकान है दोस्तों। वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि लोकेशन बहुत प्राइम है और मकान भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ऐसी मकान की डिमांड आप लोग करते रहते हैं, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो शान भाई हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। शान भाई एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई। तो शान भाई जब भी आते हैं एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट लाते हैं, और एक ऑफर भी, ज्यादातर मकानों में आपके लिए एक ऑफर भी लाते हैं दोस्तों। बिल्कुल, आज भी एक ऑफर रहने वाला है। तो शान भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लोकेशन की। जैसे भवानी चौराहे के पास है, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बैक साइड में 100 मीटर की दूरी पे है जी, इतना तो हमने बता दिया। इसके नियर बाय में क्या क्या चीजें जो है मिलने वाली है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। और दोस्तों बगल में आपको मिल रहा है APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, आपको मिल रही है दोस्तों। आगरा आप एक रोड क्रॉस करेंगे तो आपको सीतापुर रोड और आईएम रोड मिल जाएगी। हाँ। जहाँ पे आपको और भी ज्यादा फैसिलिटीज मिल मिलने रही वाली है, वहाँ पे आपको मेट्रो भी दोस्तों मिलने वाली है, आपको अच्छे से अच्छे कॉलेजेस वहाँ पे अभी भी आपको एक DPS आपको आईएम रोड पे भी मिल रहा है, आपको केंद्रीय विद्यालय मिल रहा है, जानकीपुरम में आपको केंद्रीय विद्यालय मिल रहा है, जयपुरिया दोस्तों आपको इसी रोड पे यहीं पे मिल रहा है। फिर उसके बाद पे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है यहाँ, जो बिल्कुल जानकीपुरम से लगा इंजीनियरिंग कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेकंड फेज है वो जो वो भी जानकीपुरम में, अच्छा वो भी आने वाला है। 60 फीटा रोड पे है जानकीपुरम में, अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुत बहुत 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से बिटौली चौराहे की बात करें तो कितनी दूरी होगी, अप्रोक्स 1 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल। और बिटौली चौराहे से जो रोड जाती है IIM रोड के लिए, हाँ, वहाँ पे जो ग्रीन कॉरिडोर है, जो रोड हमारा बंधा जो निकलता है सीधे वहाँ पे दुबग्गा, उसकी कितनी दूरी होगी इस मकान से? ग्रीन कॉरिडोर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों बहुत बहुत जगह से 6 किलोमीटर पे, 6 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ अगर मान लिया अगर आप वहां तक पहुंच गए तो आप पुराने लखनऊ में बहुत इजीली जो है एंट्री कर सकते हैं, पुराने लखनऊ मूव कर सकते आराम हैं। से। और बाकी दोस्तों इस वक्त जहाँ पे हम हैं, यहाँ सबसे इजी जाना है आपके लिए इंदिरा नगर, इंदिरा अलीगंज, अलीगंज, विकास नगर, ये सब तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है, 3-4 किलोमीटर की रेंज में सारी चीजें जो है सारी आने वाली चीजें आपके आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पे हम सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की दोस्तों, तो वो आपका पड़ने वाला है मुंशी पुलिया। अभी प्रेजेंट टाइम पे मुंशी पुलिया पड़ने वाला है। हाँ। और दोस्तों जो जब जब भी लखनऊ में सेकंड हाँ। फेज का काम स्टार्ट होगा तो दोस्तों आपको IIM रोड पे मिलने वाला है वसंत कुंज योजना पे आपको मेट्रो स्टेशन। अच्छा, वसंत कुंज योजना में मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है। अभी जो मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन है, हमको लग रहा है बहुत ज्यादा 5 किलोमीटर की रेंज में होगा शान भाई, बहुत ज्यादा नहीं है। आप जानकीपुरम से निकलेंगे दोस्तों, सृष्टि अपार्टमेंट आपको मिलेगा, आप कुर्सी रोड पहुंच जाएंगे। कुर्सी रोड आप जैसे ही दोस्तों पार करेंगे, आप निकलेंगे दोस्तों कल्याणपुर में। कल्याणपुर के पास में आपको खुर्रम नगर मिल रहा है दोस्तों, अबरार नगर मिल रहा है दोस्तों, खुर्रम नगर कल्याणपुर के पास में आपको विकास नगर भी मिल रहा है दोस्तों। तो लोकेशन आप जान चुके होंगे, तो काफी अच्छी लोकेशन पे दोस्तों मकान दिखाने हम लोग आज जो है आए हुए हैं। मकान की अमेनिटीज की बात कर लें, आसपास में जो है हम बात कर लें दोस्तों, सीवर वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, 20 फीट की रोड बनी हुई है, और सबसे अच्छी बात दोस्तों मकान जो है ये कॉर्नर का मकान है और डुप्लेक्स मकान है। ऊपर आपको एक बेडरूम, एक वॉशरूम, एक किचन, और किचन के सामने जो होता है डाइनिंग स्पेस, वो भी आपको मिलने वाला है। एक चीज रह गई भाई जी, ऐसा भाई रह गया मकान का फ्रंट, फ्रंट हाँ, फ्रंट दोस्तों बहुत चौड़ा है शान भाई, कितना फ्रंट? करीबन 27 का फ्रंट है दोस्तों। चलते पहले 27, आपको मकान दिखाते हैं और मकान का फ्रंट दिखाते हैं, दिखाते हैं ठीक है। उसके बाद उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे खंबे वगैरह जो है सारी चीजें, एक बार खंबा दिखाइए, खंबे वगैरह जो है यहाँ पे सारी चीजें लगे हैं, आसपास में आबादी है, लोग जो है रह रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों DPS से 100 मीटर की दूरी पे तो लोकेशन कैसी होगी। तो हम लोग आते हैं मकान के अंदर, ये मकान जो है हम आपको दिखाने आए हुए हैं दोस्तों। देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन काफी बेहतरीन फ्रंट एलिवेशन है, और सबसे अच्छी बात मकान दोस्तों आपको मिलने वाला है कॉर्नर का। ये मकान है दोस्तों, कॉर्नर से भी आपको जो है एक एंट्री दी गई है घर के अंदर आने के लिए, और मेन एंट्रेंस जो है आपको मिल जाता है
ये। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, डायमेंशन बहुत अच्छी है। आप लोगों की डिमांड होती है कि हमको फंड ज्यादा चाहिए दोस्तों, 20 फंड जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे आपको फंड मिल रहा है 27 और गहराई आपको मिल जाती है दोस्तों 30। एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल स्क्वायर शेप में, चौकोर शेप में दोस्तों ये मकान है। इसीलिए इस मकान के रूम साइज, डायमेंशन, जो अंदर के डायमेंशन हो गए, पोर्च वगैरह, किचन वगैरह, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं दोस्तों। फिर से एक बार कहना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो में आप रुके रहिएगा दोस्तों, ताकि इस मकान को आप प्रॉपर देख सकें। तो अब हम लोग एंट्री कर लेते हैं मकान के अंदर। और 800 स्क्वायर फीट दोस्तों इस जो है मकान का साइज है। जैसे कि मैंने बताया डायमेंशन अच्छी है दोस्तों, तो सारी चीजें का साइज जो है आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं पोर्च का साइज। वहां से दोस्तों जहां से कैमरा शूट हो रहा है उसके पीछे जो है गेट लगा है, और यहां तक दोस्तों आपको एक वॉल मिल रही है। तो कार अगर आप अपनी खड़ी करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जीने इस हिसाब से बनाए गए हैं, इससे करके ऐसे जीने बनाए गए हैं, बिल्कुल बीच में से जीने आ जाते हैं दोस्तों। तो बॉल तो पीछे रहती है, लेकिन आपका बोनट यहाँ पे टकराता है, तो इस वजह से कार आपकी पूरी अंदर नहीं आ पाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी कार का बोनट आपका जो है यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, कोई भी मीडियम साइज की गाड़ी दोस्तों बहुत इजिली आपकी जो है यहाँ पे खड़ी होने वाली है। उसके बाइक बाइक का स्पेस आपको इतना ही मिलेगा जितना यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक बाइक आपकी ऐसा ही दोस्तों खड़ी हो जाएगी, कार खड़ी होने के बावजूद भी। हाँ एक इंट्रेंस दोस्तों आपको मिलता है घर के अंदर एंट्री करने के लिए। बाकी छत वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो भी कमी आपको दिखेगी, जैसे कि रूफ लाइटें का स्पेस दिया लेकिन लगी नहीं है, ये सारी चीजें लगा के आपको जो है दिया जाएगा। जैसे हाँ यहाँ पे स्विच सॉकेट का बोर्ड नहीं लगा, ये लगाया जाएगा। और एमसीबी बॉक्स इसमें जो है ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एमसीबी नहीं लगी है, तो एमसीबी लगाई जाएगी। क्योंकि मकान कंप्लीट है, जब तक आप टोकन करेंगे, लोन होगा आपका, मकान जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और, गेट के ऊपर ग्रिल यहाँ पे पहले से लगी है दोस्तों, आपको जो खरीदने के बाद नहीं लगाना है। तो एंट्री कर लेते हैं जी। और दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आपको एक फ्रंट में आपको गेट मिल रहा है, लेकिन मिल, मकान हाँ कॉर्नर का आपको स्टार्टिंग से बताया गया है, हाँ साथ में दोस्तों कॉर्नर का भी आपको एक गेट मिलने वाला है। कॉर्नर का भी चलिए गेट दोस्तों मिल अंदर से रहा दिखाएंगे आपको, जैसे कि एक गेट ये है, है, एक हाँ गेट उस तरफ भी है। उस तरफ भी। और एक चीज का दोस्तों आप देखते रहिए कि मकान के अंदर अभी लाइट लगी नहीं है, कोई लाइट नहीं जल रही है, लेकिन रोशनी कॉर्नर की वजह से दोस्तों आपको जो है इसमें रोशनी प्रॉपर मिल रही होगी। शान भाई बात कर ले हम लोग इसके जैसे फेसिंग की, वो हाँ मेन जो गेट लगा इस तरफ, इसकी क्या फेसिंग आ रही है? ये आ रहा है वेस्ट फेसिंग वेस्ट फेसिंग है। जी। वेस्ट फेसिंग का दोस्तों ये मकान है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी दोस्तों आपको जो है एक एंट्रेंस मिल जाता है। चाहे तो आप उस तरफ से भी एंट्री कर सकते हैं या इस तरफ से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको मकान की ड्राइंग। इधर से हम लोगों ने एंट्री करी है दोस्तों, राइट हैंड की तरफ आपको मिल जाएगा इसका काफी बड़ा किचन। हाँ बहुत दोस्तों बड़ा किचन है मकान ये, का साइज बहुत बड़ा, मकान का साइज एक है बार इधर से अंदर से 800 आके दिखाइए, स्क्वायर इधर फीट। अंदर से दिखाइए, मकान का से आके साइज अंदर है दिखाइए। 800 स्क्वायर फीट। लेकिन आपको दोस्तों देखने में नहीं लग रहा होगा कि 800 स्क्वायर फीट का साइज है। जब हम इस मकान में आए हैं, हमने जब तक शान भाई से साइज नहीं पूछा, हम भी नहीं समझ पाए थे कि 800 स्क्वायर फीट का मकान है। जब शान भाई ने बताया, हाँ सब लोग 800 खुल गए। पे 1500 कवर्ड है मकान, ये भी 1500 आप लोग ध्यान कवर्ड, रखिएगा। ऊपर काफी ऊपर चीजें। आपको एक किचन भी मिलने वाला है, टॉयलेट बाथरूम भी मिलने वाला है, रूम भी मिलने वाला है, और काफी ओपन स्पेस, अच्छा स्पेस भी अच्छा आपको मिलने खासा वाला मिलने है। वाला है, ठीक है। नीचे का जो दोस्तों जो किचन आप देखेंगे, यहाँ पे काफी स्पेस एक मिल रहा बार है। यहाँ किचन पे थोड़ा हाँ सा अंदर से दिखा दीजिए यहाँ सही पे से। आसानी से किचन, यहाँ पे हाँ आपका फ्रिज आ जाएगी, काफी हाँ चीजें आ जाएंगी। और दोस्तों किचन रहने वाला है मॉड्यूलर, जो मॉड्यूलर आपको नीचे किचन वाला रहने किचन दिख रहा है, वाला ये है। किचन दोस्तों रहने वाला है मॉड्यूलर। और मॉड्यूलर किचन जो रहने वाला है दोस्तों, ये आपका ऑफर में रहने वाला है। ऑफर में मॉड्यूलर किचन जो है आपका रहेगा, अगर आप जल्दी, क्योंकि दोस्तों एक ही यूनिट यहाँ पे है, ये बहुत सारे मकान नहीं है, एक यूनिट है। अगर आप दोस्तों इसको लेते हैं, तो इसमें आपको मॉड्यूलर किचन बना के दिया जाएगा। बाकी खिड़की वगैरह यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं, खिड़की खोल लेंगे, बेहतरीन रोशनी आएगी यहाँ से और हवा भी आएगी। उसके बाद दोस्तों ये आपको मिल जाता है एक हॉल, डाइनिंग स्पेस भी आप इसको बना सकते हैं, बाकी हॉल भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सोफा भी आ जाएगा, डाइनिंग टेबल भी दोस्तों आपकी यहीं पे आ जाएगी। फॉल सीलिंग देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है, फॉल सीलिंग बनी है दोस्तों। जो भी इसमें टचअप करना होगा पेंट वगैरह का, वो हो जाएगा। बाकी एकदम मकान में देख सकते हैं पेंट हो चुका है। 2x4 के दोस्तों इसमें टाइल्स लगे हैं। और इस साइड में मिलता है दोस्तों आपको वॉश बेसिंग स्पेस, देख सकते हैं यहाँ पे आप काउंटर खाना वॉश बेसिन, खाएंगे, यहाँ पे हाथ धोएंगे। काउंटर वॉश बेसिंग है, इसके अंदर अभी वॉश बेसिंग लगा नहीं है, सिर्फ स्पेस बना हुआ है। इस हाँ पे जो नीचे आप है देख सकते हैं पानी मार्बल पीने लग के लिए रहा है, दिया गया हाँ है। नीचे आपको जो है नाली, यहाँ पे काट के वॉश बेसिंग लगाया जाएगा। बाकी उसका पाइप भी है, इसके अंदर से नीचे चला जाएगा। और ये आपको मिल जाता है दोस्तों एक कॉमन वॉशरूम, वॉशरूम दिखा दीजिए। ये आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल रहा है, अंदर से दिखाइए, क्योंकि वॉशरूम बहुत बड़ा लग रहा है ये देखने में। ये देखिए दोस्तों, एक कमरे के बराबर दोस्तों ये वॉशरूम आपको जो है अगर दिखाई दे रहा होगा कि कमरे के बराबर दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों इंडियन सीट लगी है, इंडियन सीट लगी है, बाकी इतना स्पेस आपको मिल रहा है दोस्तों। अगर ये वॉल ना होती तो ये समझिए एक कमरे के हिसाब से वॉशरूम आपका होता। टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपके डक भी मिल जाती है।
उसके बाद ये आपकी हॉल की बात हो गई, उसके बाद आपको दिखाते हैं नीचे के 2 बेडरूम। पहले मास्टर बेडरूम दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि हाँ, एक टॉयलेट बाथरूम आपने इधर देखा, एक और मास्टर एक बेडरूम इसके का अंदर टॉयलेट है। बाथरूम भी देख लीजिए, और देखेंगे इसमें भी आपको साथ में मिल रही है खिड़की, विंडो। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एक काफी ठीक ठाक साइज 12x12 का जो है आपको ये एक रूम मिल रहा है, क्योंकि मकान जैसे कि डायमेंशन इसकी बिल्कुल चौकोर है, तो रूम भी बिल्कुल चौकोर निकल के आया है 12x12 का। उसके बाद एक आपको ये मिला जा रहा है अटैच वॉशरूम, देख सकते हैं एक अटैच वॉशरूम भी है दोस्तों। इसका भी साइज आप देख लीजिए, बहुत बड़ा साइज आपको इसका मिला, कम से कम 10 फीट चौड़ा जो है ये आपका होएगा होएगा, दस बिल्कुल बाई पांच बिल्कुल का। और इधर भी आपको वेंटिलेशन देख सकते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर आपको इसमें ये है दोस्तों कि कॉर्नर का अगर मकान है तो कॉर्नर का बेनिफिट यहाँ पे आपको दोस्तों पूरा दिया गया है। हर जगह विंडो मिल रही है, यहाँ पे विंडो, उस बेडरूम में आपको एक दरवाजा मिल रहा है, पीओपी ऊपर देख सकते हैं बनी है, पेंट वगैरह इसमें सारी चीजें हो चुकी है दोस्तों। जब आप इसमें टोकन करेंगे जो 19-20 काम बचा है वो करवा दिया 15 दिन के जाएगा अंदर 15 दिन के अंदर। उसके बाद एक बेडरूम ये बेडरूम तो दोस्तों और बेस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दरवाजा भी दिया गया है, सेकेंड रोड आपको इस तरफ मिल जाती है, और यहाँ पे आपको खिड़की भी दी गई है। यहाँ पे मान के चलिए बहुत आराम से आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। इसका साइज दोस्तों उससे भी बड़ा है, ये मान के चलिए 12x13 के आसपास आपको इसका साइज मिला जा रहा है, पीओपी आपको इसके ऊपर मिली जा रही है, इधर दरवाजा, इधर जो है आपको विंडो। बाकी ईशान भाई बात कर रहे हैं एसी की वायरिंग की, तो वो भी यहाँ पे मिलेगी ना, हाँ हाँ इसीलिए प्रॉपर ये साइज प्रॉपर दोस्तों प्रॉपर सारी चीजें मिलने सारी वाली चीजें है। यहाँ पे जैसे कि सुसा आप सेट लगना है बस। जैसे कि हर हर बार आपको मकान में मिला है, और इस बार हाँ अगर आप गेट भी देखेंगे तो थोड़ा सा अलग क्वालिटी की चीज अलग आपको यहाँ क्वालिटी पे का है। मिल रही है, प्रॉपर डिजाइन के हाँ साथ में। चलते दोस्तों ठीक है, एक बार आपको ऊपर भी दिखाते हैं ऊपर दिखाते किस हैं, तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन किया। आइए कैमरा चालू रखे रखे जो है ऊपर आइए, ताकि व्यूवर जो देख रहे हैं उनको समझ में आने की मकान की हाँ ड्राइंग। और जीने पे दोस्तों इस पे जो है आपको देख रहे होंगे, इस पे जो है मार्बल का यूज किया गया है, ग्रेनाइट का यूज नहीं, मार्बल का, जो कि थोड़े मजबूत हो, और स्टील वाली रेलिंग। ड्राइंग देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ऊपर एंट्री करी, यहाँ पे आपको इतना बड़ा स्पेस मिल रहा है कि चाहे तो दोस्तों हम यहाँ पे बच्चों का स्टडी रूम भी बनवाना चाहे तो बना प्रॉपर सकते हैं सोफे रख सकते हैं आराम यहाँ से पे। सोफे। और यहाँ पे फैन पॉइंट भी आपको मिल रहा है, लाइटिंग पॉइंट मिली जा रही है, यहाँ पे आपको विंडो मिल रही है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इधर से एंट्री करते हैं छत के ऊपर, ये हम लोग आ गए हैं छत पे, यहाँ की भी ड्राइंग देख लीजिए, ये स्पेस इतना मिल रहा है, बाकी इसके पीछे छत है, और इधर आपको बालकनी स्पेस भी मिला जा रहा है। यहाँ पे लगी है रेलिंग, क्योंकि इसका फ्रंट है दोस्तों 27, ये चीज पूरी आपको 27 मिल रही हाँ है, इस तरफ से भी दोस्तों को आके दिखा दीजिए एक बार, इधर से दिखा कि ये दिए। भी आपको देखिए स्पेस इधर वाल मिल और रहा छत पे दोस्तों आप देख सकते हैं 2x4 के इस पे टाइल्स लगे हुए हैं, जो कि छत पे टाइल्स नहीं लगे रहते हैं, इधर का यहाँ पे इधर टाइल्स लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे टाइल्स आपने नीचे देखे हैं वही टाइल्स छत पे लगे। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे विंडो, प्रॉपर फ्रंट एलिवेशन को खूबसूरत करने के लिए टाइल्स का वर्क इसमें किया गया है। और ये साइड के जो है आपकी लोकेशन है, साइड वाली रोड की, दोनों रोडें दोस्तों 20-20 फीट की मिल रही हैं, पोर्च भी बड़ा है, कॉर्नर का भी मकान है, 20 फीट से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए अब आपको दिखाते हैं एक रूम एंट्री दोस्तों, इस तरफ से हम लोग करेंगे आपको मिल जाएगा किचन, देख सकते हैं ये किचन दोस्तों ऐसे ही रहेगा, और नीचे वाला शान भाई जो है आपको मॉडलर करके दे देंगे। यहाँ पे विंडो, किचन के आगे इतना स्पेस कि छोटे डाइनिंग टेबल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद एक रूम, इस रूम का साइज दोस्तों नीचे वाले रूम उससे भी बड़ा है, लगभग 12 तो ये है ही है, इधर से टाइल्स गिन ले, 1 2 3 4 5 6 13, 12x13 का दोस्तों ये रूम है। और यहाँ पे आपको हमको लग रहा है शान भाई, यहाँ भी जो है आप काउंटर काउंटर बहुत बेहतरीन वर्सेशन स्पेस की देंगे, संभावना थी। यहाँ पे भी स्लिप लगाना बचा हुआ है, यहाँ पे स्लिप लग जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए टैब लगा हुआ है दोस्तों, इसमें टोटी लग जाएगी, आराम से इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो काउंटर वॉच बेसिन यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, आप चाहे यहाँ पे वार्डरोब भी अपना बनवा अपने सकते हैं, हिसाब से क्योंकि यूज कर सकते स्पेस दोस्तों, इसी वजह से मकान में काम थोड़ा बहुत छोड़ा जाता है छोड़ा कि जाता आप है। अपने हिसाब से भी कुछ मॉडिफिकेशन करा हाँ पाए। चलिए दोस्तों बाथरूम दिखाते हैं, जैसा नीचे का आपने देखा काफी हैवी और बड़ा सा बाथरूम वैसे ही है, बाथरूम वही सेम, बाथरूम दोस्तों आपको मिलने वाला है ऊपर ये भी। देखिए ऐसा ही बाथरूम दोस्तों नीचे का था, पूरा इतना बड़ा आपको बाथरूम मिल रहा है, इंडियन सीड इसमें भी लगी है। पूरे घर में दोस्तों आपको 3 बाथरूम मिले जा रहे हैं, तीनों के साइज काफी बेस्ट साइज है दोस्तों। आपको भी देखने में नहीं लग रहा होगा कि 800 स्क्वायर फीट में मकान बना है, और मकान इतना खूबसूरत 800 स्क्वायर फीट इसलिए बन गया है क्योंकि इसका फ्रंट ज्यादा है, हाँ डायमेंशन बहुत अच्छी है। उसके बाद हम लोग फिर से निकलते हैं छत पे, छत पे से चल के आपको बताते हैं मकान का रेट बताएंगे, लोन प्रोसेस बताएंगे, बाकी सारी चीजें जो है बताएंगे। यहाँ भी देख सकते हैं इसके ऊपर भी कवर्ड है शाम भाई, कवर्ड हाँ एरिया 1500, हाँ 1500 कवर्ड एरिया आ रहा है, 800 प्लॉट 1500 कवर्ड, ठीक 1500 कवर्ड एरिया आ रहा है है। लोगों। तो शाम भाई एक बार लोकेशन वगैरह जो है फिर से बता देते हैं, जी फिर जी लोन बिल्कुल प्रोसेस बता के रेट बताते हैं।
दोस्तों लखनऊ का सबसे जाना माना एरिया है जानकीपुरम जानकीपुरम एक्सटेंशन, दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्कुल उसके बैक साइड बैक पे साइड है में। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। अगर मैं यहाँ पे आसपास आबादी और मकानों की बात करता हूँ हाँ तो शायद हम आपको काउंट करके ना बता पाए, ना बता पाए, क्योंकि जहां पे अगर से हम खड़े यहीं पे हम देखेंगे तो कम से कम आपको 2,500 से 3,000 मकान आपको सिर्फ अगल बगल में अगल यहाँ दिख बगल में दिख जाएंगे। जाएंगे। एक बार दिखा दीजिए, हाँ कैमरा घुमा के लोकेशन दिखाइए कि आमने सामने अगल बगल में चारों तरफ मकान जो है यहाँ पे बने हुए हैं। दोस्तों काफी अच्छी लोकेशन है। रोड की बात करें तो जहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल है दोस्तों वहीं पे मेन रोड है, मान के हाँ चलिए। और दोस्तों आप तो जानते हैं हमारा जानकीपुरम पूरा नगर निगम के क्षेत्र हाँ में आ चुका है। लोन की बात करते हैं तो 90% इजी गोइंग लोन हम करा देंगे दोस्तों आपका। अच्छा, हाँ 90% लोन जो है इस प्रॉपर्टी के ऊपर इजी हो गोइंग है। जाएगा, हाँ ठीक कॉर्नर का है। मकान दोस्तों आपको हाँ मिल रहा है, 1,500 कवर्ड एरिया पे मिल रहा है। हाँ जल्दी दोस्तों ऊपर वाल मतलब ऊपर कवर्ड स्थान नहीं बनाता क्योंकि मकान का रेंज बढ़ जाती है। रेट बढ़ ये जाता है। दोस्तों हम आपको बहुत ही कम प्राइस में देने वाले हैं, अच्छा 800 स्क्वायर फिट कॉर्नर का 1,500 कवर्ड एरिया जिसमें आपको एक हाँ रूम टॉयलेट बाथरूम के साथ मिल रहा है मात्र 55 लाख रुपए में, 55 लाख रुपए में ये कॉर्नर मकान का है, मकान, वो भी कॉर्नर का, जबकि कॉर्नर का तो 10% पीएलसी चार्ज दस भी परसेंट पीएलसी लगता है। चाहे चार्ज प्लॉट लगता है लीजिए, चाहे कहीं पे आप चाहे मकान कहीं भी लीजिए, लीजिए आपकी। ऊपर से उस ऊपर आपको इतना बना के दिया जा रहा है कि अगर मान लिया आपकी छोटी फैमिली, आप नीचे शिफ्ट हो सकते हैं 2 BHK में, तो ऊपर दोस्तों रेंट आउट भी कर सकते हैं, जो कि आप पूरा लोन लेंगे प्रॉपर, थोड़ी सी ईएमआई जो है इसमें से भी निकल जाएगी हाँ दोस्तों। प्रॉपर रेंट आउट कर सकते छह हैं सात हजार रुपये क्योंकि मिल सकते हैं यहाँ पे इस लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों रेट आपको पता चल चुके हैं, लोन प्रोसेस आपको पता चल चुका है, लोकेशन आपको पता चल चुकी है। उसके बावजूद भी दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है दोस्तों इस प्रॉपर्टी को लेके, उसके लिए दोस्तों आपको नीचे 3 नंबर दिए गए स्क्रीन पे, और पहला नंबर शान भाई का है दोस्तों। बिल्कुल डायरेक्ट दोस्तों आप कॉल करिए, प्रॉपर्टी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी लखनऊ में 28 से 30 साइट शान भाई जो है आपकी 28 से 30 प्रेजेंट टाइम है। में भी जो है इस टाइम चल रही है, हाँ मकान अपने बन रहे और चारों तरफ, सब बजट के मकान है दोस्तों। मान के चलिए 10 लाख रुपए से लेके 80-90 लाख रुपए तक का मकान शान भाई आपको लखनऊ में प्रोवाइड कर देंगे, और प्लॉट भी हैं दोस्तों अगर तो। जानकीपुरम में ही अगर आप चाहते हैं इसके हाँ अलावा बड़ा मकान चाहते हैं 1,500 चाहते हैं 1,200 चाहते हैं तो वो भी दोस्तों मिल जाएगा, वो लेकिन भी मिल आपको उसके लिए जाएगा, करनी पड़ेगी कॉल कॉल ताकि मैं कॉल आपको करनी व्हाट्सएप पे पड़ेगी। वो पूरी डिटेल हाँ आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, उसके लिए करनी पड़ेगी आपको कॉल, तो फटाफट से कॉल करिए दोस्तों, मकान को आइए आप विजिट करिए, अच्छा लगे तो टिकट अमाउंट देके दोस्तों आप उसको बुक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।